जो कैद में थे सारे परिंदे, पर भी है ये भूल गए थे, जो चुकते थे उन कांधों पे सर भी है ये भूल गए थे। एक घोंसला कैसे बनता है, एक दिन का देख के याद आया, पहले तो ठीक सोच आई हर तो फिर सोच के बाद आया, एक सोच पे है मीनार बना, एक सोच पे है मीनार बना, वो सोच संभाल भी सकते हैं। सब अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं, सब अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं, जहिन फ्रेंड्स। सब अपना नजरिया पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। आपने सुनी अभी ये लाइनें, इसका मतलब ये है कि सभी का नजरिया तो हमने देख लिया, तब सुन लिया, तब महिलाओं के बारे में बातें तो करते हैं, लेकिन महिलाएं अपने बारे में क्या कहती हैं, उनका क्या नजरिया है, उनका जीवन कैसा है, क्या उनकी पहचान सिर्फ और सिर्फ एक पत्नी के रूप में है, एक माँ के रूप में है, एक बेटी के रूप में है, या सिर्फ उन तमाम रिश्ते के बंधन में वो बंधी हैं जिनकी सीमा हम उतनी ही समझते हैं जितनी कि समाज ने उन पे एक तरीके की सीमा आरोपित कर दी है। क्या महिला का इससे अपना अलग कोई अस्तित्व नहीं है? कहते हैं स्त्री यदि शंका त्याग दे तो वो शंकर हो जाती है। तो हमारा ये मंच उन महिलाओं को समर्पित है। तो स्वागत करते हैं हम आपका अपने द्विज कॉन्सेप्ट चैनल पर, और हम इस मंच को, हमने इस श्रृंखला को प्रारंभ किया है जिसमें हम उन तमाम महिलाओं के बारे में चर्चा करेंगे जो हमारे इतिहास के पन्नों में बिखरी पड़ी हैं। उनकी कहानियाँ हम ये तो जानते हैं कि उन्होंने, कहते हैं ना कि महिलाओं, एक सफल पुरुष के पीछे एक सफल महिला होती है, ये एक टैग लाइन सी बन गई है। लेकिन अब समय आ गया है उस पर्दे को हटाने का, यानी कि उस पर्दे के पीछे उन महिलाओं को आगे लाने का। सोचिए जो महिला पीछे रहकर इतना बड़ा आश्चर्य कर सकती है कि वो शिवाजी महाराज, अकबर और तमाम ऐसे राजा महाराजा, ऐसी तमाम विभूतियां हैं जिन्होंने, जो कि महिलाओं द्वारा बनाई गई हैं। विवेकानंद जो स्वयं कहते हैं कि मैंने अपनी माँ से बहुत कुछ सीखा, महात्मा गांधी जिनकी पत्नी कस्तूरबा बाई, अगर कस्तूरबा ना होती तो महात्मा गांधी महात्मा नहीं होते, वो होते मोहनदास करमचंद गांधी, लेकिन महात्मा गांधी कस्तूरबा की वजह से हुए। शिवाजी राजे, वो शिवाजी ना होते यदि जीजा बाई माँ साहेब उनकी माँ ना होती, उन्होंने बचपन में उन्हें शिक्षा ना दी होती, राजा बनने की बातें ना कही होती। आप जानते हैं कि हर एक पुरुष के जीवन में महिला, दो महिलाएं आती हैं, एक उनकी माँ होती है, जो कि आपने सुना होगा कि चाहे माँ अमीर हो गरीब हो, चाहे वो किसी बड़े घर की बहू हो, चाहे कुछ भी हो, उसके हाथ में धन हो या ना हो, उसने राजसी भोग देखा हो या ना देखा हो, लेकिन फिर भी वो अपने बेटे के को हमेशा कहती है कि मेरा राजा बेटा, मेरा बेटा राजा है, महाराजा है, उसकी तुलना वो राजा से करती है। लेकिन जब पत्नी आती है तो पत्नी क्या करती है, उस व्यक्ति को भगवान बना देती है। अर्थात आपने सुना है क्या कि मेरा बेटा भगवान है? नहीं, सब कहते हैं कि पति परमेश्वर है। अर्थात कि एक महिला उसे राजा बनाती है तो दूसरी उसे परमेश्वर बनाती है। बात होती है इनके तालमेल की। लेकिन समस्या ये है कि हमारे समाज में जो हमारे आदर्श हैं वो हम उन्हें कहीं पीछे छोड़ आए हैं।
हमारे समाज में एक से बढ़कर एक महिलाएं हैं जिनके तालमेल ने एक पुरुष को राजा बना दिया। तो लेकिन अब हम क्या करते हैं, सास बहू और साजिश यही सब देखते रहते हैं। इसके कारण हमारी सोच भी वैसी धीरे धीरे बनती जाती है। तो समय आ गया है अपने आप को पहचानने का कि अगर आप पर्दे के पीछे रहकर किसी की इतनी सहायता कर सकती हैं, उसका भविष्य निर्माण कर सकती हैं, तो यदि आप मंच पर आ जाएं तो क्या होगा। और अब तो हमारी संसद के भी दरवाजे महिलाओं के लिए खुल गए हैं, तो अब तो पारी आ गई है महिलाओं की। वैसे भी कहते हैं कि 21वीं सदी महिलाओं की है, वो आधी आबादी है। इतिहास से उन्होंने हर उस स्थान को, हर उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है जो उन्हें सौंपी गई है। कहते हैं महिलाएं अच्छी शासक नहीं होती, तो रजिया सुल्तान का नाम कहाँ से आ गया, हम क्यों भूल जाते हैं। कहते हैं महिलाएं अच्छी प्रबंधक नहीं होती, वो राज्य चला नहीं सकती। बिना गद्दी पर बैठे अहिल्याबाई होलकर ने तमाम नीतियों को बनाया। कहते हैं कि जब उनके ससुर और उनके पिता, जब उनके पति जाते थे युद्ध पर, तो राज्य अहिल्याबाई होलकर संभालती थी। आपने देखा कि कैसे उन्होंने होलकर खानदान को, होलकर परिवार को मुकाम पर बैठा दिया। बात होती है उनकी पारी की और झांसी की रानी। कहते हैं महिलाएं अच्छी योद्धा नहीं होती। झांसी की रानी के बारे में तो अंग्रेज ने स्वयं ही कहा कि ये एक मर्द है। इसका मतलब कि मर्द होना या पुरुष होना कोई गुण है, वो किसी भी शरीर में व्याप्त नहीं है, वो एक पौरुष का गुण है जिसको उसने झांसी की रानी में देखा। तो महिलाओं, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां महिलाओं का राज्य ना चलता हो। पर बात है उसके नजरियों को समझने की, उसके दृष्टिकोण को समझने की। किसी ने जरूर ये कहा है, बहुत ही बखूबी कहा है, कि हमारे बारे में सिर्फ हम बात कर सकते हैं, हम अपने बारे में क्या सोचते हैं ये तो महिलाएं ही बताएंगी ना, कोई और कैसे बता सकता है। पर बात ये नहीं है, बात यहाँ महिलाओं की पुरुषों से तुलना नहीं है। दोनों को अलग अलग कार्य के लिए बनाया गया है। ऐसा मैं भी नहीं कर रही हूँ, कार्य के लिए का यहाँ कहने का मतलब है कि दोनों के अलग अलग गुण हैं। अर्थात महिलाओं के हाथों में प्रकृति ने सृजनकर्ता की एक तरीके से बागडोर प्रदान कर रखी है। वो बचपन से ही सृजनहार होती हैं। उनको नेचर ने ऐसा बना रखा है कि उनके हाथ में जो चीज आती है वो उसको बढ़ाना शुरू करती है। अपवादों की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी महिलाओं ने हर उस पद को बखूबी संभाला है। बात है उनको मौका देने की। इसीलिए तो आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कही जा रही है कि बेटियां अगर रहेंगी तो वो आगे चल के बहुत काम करेंगी, समाज को आगे बढ़ाएंगी। तो अब यही सीधी सी बात है कि किसी भी चीज़ में महिलाएं पीछे नहीं हैं। तो ये मंच समर्पित है हमारी ऐतिहासिक महिलाओं को, ये मंच समर्पित है हमारी घरों में रहने वाली हमारी माताओं को, जिनको देखते देखते हम उनके बारे में एक राय बना बैठे हैं कि माता का काम तो सिर्फ भोजन बनाना है, घर संभालना है, वो तो उनका काम है ही, वो तो वो बखूबी संभाल ही लेगी, पर उससे बढ़कर भी वो नीतियां भी बना सकती हैं। और हम तो ऐसे महान देश में रहते हैं, हम ऐसे देश में रहते हैं जिसका सर्वोच्च पद महामहिम राष्ट्रपति स्वयं एक महिला है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी उस पद पर विराजमान है। तो उनके होते हुए हम ऐसी राय कैसे रख सकते हैं कि महिलाएं जो है कुछ नहीं कर सकती, ऐसा नहीं है, वो बहुत कुछ कर सकती हैं। तो हमने इस मंच के पर उन महिलाओं के नाम रखे हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे। एक एक व्यक्तित्व की चर्चा हम हफ्ते में एक बार करेंगे। हम आपके बीच में एक एक महिला को लाएंगे जिसने इतिहास में बड़ी भूमिका निभाई है, और कभी कभी तो इतिहास को मोड़ने में भी बड़ी भूमिका निभाई है। जो कुशल राजनीति के कारण उन्होंने इतिहास की धारा को ही बदल दिया। अगर लक्ष्मीबाई का साथ उस वक्त के लोगों ने दिया होता तो अंग्रेज तो 1857 में ही भाग गए होते। उन्होंने तो इतना भूमिका बना दी थी, पर वो मजबूर थी क्योंकि उन्हें नहीं पता था ना कि वो महिलाओं में जो योद्धाओं जैसी और गुण होते हैं, वो और महिलाएं उस वक्त लड़ने के लिए तैयार नहीं थी, उनको वैसा बनाया नहीं गया था। तो ये मंच समर्पित है हमारी वनों में रहने वाली महिलाओं को, वनवासी महिलाओं को,
जिनके बारे में हम एक अलग राय रखते हैं। पर मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने आपको इतिहास में बताया था कि राजा की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, कुछ नहीं होता, उनको किसी सीमा से नहीं बांधा जा सकता, वैसे ही महिलाओं की भी, चाहे वो किसी भी जाति की हो, किसी भी वर्ग की हो, किसी भी धर्म की हो, उनकी स्थिति अलग होती है। वो जहाँ होती है, जहाँ भी रहती है, उनको एक अलग परिवेश दिया ही जाता है और उनकी तुलना हमेशा उन्हीं से होती है। तो क्यों ना हम तो दुनिया में सब की तरफ देखना बंद करें और अपनी तरफ देखें कि हम क्या कर सकते हैं। तो आप इन एक एक कहानियों से अपने आप को जोड़िएगा और महिला की कहानी को महिला की नज़र से देखिए। समय आ गया है अपने नज़रियों को बदलने के लिए। तो हमारे इस श्रृंखला की जो शो की जो टैगलाइन है कि सब अपना नज़रिया पास रखो, हम अपना नज़रिया रखते हैं। अब सब लोग अपना अपना नज़रिया अपने पास रखिए। बात है महिला की चर्चा की, तो आप उसकी कहानी को देखिए कि उन्होंने क्या क्या किया और उससे सीखिए और एक सही आदर्श को अपने जीवन में लाइए, जिससे धीरे धीरे जो हमने एक परत जमा ली है वो हट जाएगी। तो आज हमारी पहली महिला है जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं, वो है एक ऐतिहासिक महिला, वैदिक कालीन महिला, ऋग्वेद की यानी वैदिक काल की महान नायिका, महान ऋषिका लोपा मुद्रा। हम लोपा मुद्रा की चर्चा करेंगे, उनके जीवन की मैं कहानियां आपको सुनाऊंगी और आप सुनेंगे और बाद में आप खुद ही देखिएगा कि उस वक्त जब वैदिक काल में इतनी पुरानी बात है, जब महिलाओं को ज़्यादा अधिकार भी नहीं थे, लेकिन फिर भी उनका जीवन और आने वाले काल में से बेहतर था। तो हम चर्चा करते हैं लोपा मुद्रा की। तो बात शुरू होती है, एक बार अगस्त ऋषि अपने किसी तपस्या से वापस आ रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ पुरुष पेड़ की डाल से उल्टे लटक रहे हैं, मतलब उनका सिर नीचे और पैर ऊपर। ऋषि ने ये देखा और बड़े ही आश्चर्यचकित हुए। वो उनके पास गए, उन्होंने उनसे पूछा कि हे महात्माओं, आपकी ऐसी अवस्था कैसे है? ये कैसे हो गया? इसका कारण क्या है? क्या मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूँ? और उन पुरुषों ने कहा कि हमारी इस अवस्था का कारण स्वयं तुम हो, आपकी वजह से हमारी ऐसी अवस्था है। उन्होंने पूछा कि ये कैसे हो सकता है, वो इसका कारण भला कैसे हो सकते हैं? उन महात्माओं ने कहा कि हम आपके पूर्वज हैं, हम आपके पितृ हैं, और चूंकि आपकी इतनी उम्र निकलती जा रही है और आपने विवाह भी नहीं किया, तो अब आपकी वंशमेल तो आगे ही नहीं बढ़ेगी, जिससे हम पितृदोष से मुक्त ही नहीं हो पाएंगे। तो हमारा शरीर तो अब नहीं है, लेकिन हम प्रेत की तरह ऐसे भटक रहे हैं, हम स्वर्गारोहण भी नहीं कर सकते। इसका कारण आप हैं, क्योंकि आने वाले समय में हमें कोई जल देने वाला ही नहीं होगा। मुनि ने उनकी हालत देखी, उन्हें बड़ी दया आई और चिंता करते हुए उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया कि हम विवाह करेंगे और आपकी इस अवस्था को हम जल्द ही दूर करने का प्रयास करें। अगस्त मुनि पूरे भारत में भटकते रहे, इधर से उधर उन्होंने कई लोगों को देखा, लेकिन उनके योग्य उन्हें पत्नी नहीं मिली। मुनि ने सोचा कि लगता है हमारी जो हमने वादा किया था वो पूरा नहीं हो पाएगा। मुनि इतने तपस्वी थे कि उन्होंने अपने तप के बल पर, अपने तपोबल पर प्रकृति के सुंदर जीव जंतुओं और सुंदर पुष्पों से, वृक्षों की, उनके अच्छे गुणों को लेकर एक कन्या का निर्माण किया। वो सारे सुंदर गुण उस कन्या में थे जो कि अलग अलग प्रकृति के रूप में बिखरे पड़े थे। क्योंकि उस कन्या के निर्माण में कई जीव जंतुओं का लोप हुआ, उनकी हानि हुई, इसके कारण उनका नाम लोपा मुद्रा पड़ा। कहते हैं लोपा मुद्रा इतनी सुंदर थी कि उससे विवाह करने के लिए स्वयं देवता भी आगे रहते थे। लेकिन इसी समय अगस्त मुनि को समझा ने सुना कि विदर्भ नरेश की कोई संतान नहीं है और वो बड़े ही दुखी हैं, दर दर महात्माओं की आश्रम में भटकते फिर रहे हैं। फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस कन्या को युवती बनाने से पहले मैं शिशु स्वरूप में ही इस राजा को दे देता हूँ, इस कन्या का लालन पालन भी हो जाएगा
और इनकी संतान की इच्छा भी पूरी हो जाएगी। बाद में कहते हैं कि उन्होंने रानी राजा रानी को उस कन्या को दे दिया। वो कन्या शिशु स्वरूप में उनके घर में उसका पालन होने लगा। मुनि वापस से अपने वन में चले गए, तपस्या में लीन हो गए। लेकिन समय बीतता गया। जब पता चला कि अब कन्या इतनी युवती हो गई है कि उनके स्वयंवर की चर्चा हो रही है, एक दिन विदर्भ नरेश ने सोचा कि अब बेटी के विवाह का समय आ गया है। उन्होंने तमाम राजकुमारों को संदेश भेजने की योजना बना ली। और उस वक्त एक परंपरा थी स्वयंवर की, यानी कि जो बेटी थी, जो कन्या थी, वो अपना वर स्वयं चुन सकती थी। ये वैदिक काल की परंपरा थी। और इसका पालन हो, इसके पहले ही अगस्त मुनि ने सोचा कि वो अपना प्रस्ताव राजा के समक्ष रख सके। अब आप सोच कर देखिए कि महिला को उस वक्त वर चुनने का अधिकार था, आज नहीं है समाज में। वैदिक काल की महिला, राजा की बेटी। लेकिन मुनि उनके घर पधारे, महल में गए, उनका स्वागत सत्कार हुआ। इसके बाद राजा ने उनसे उनके आने का कारण पूछा और ऋषि ने अपना प्रयोजन बताया। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि हमें लोपा मुद्रा से विवाह करना है। राजा को ये सुनकर अच्छा न लगा। उन्होंने सोचा कि एक तो ऋषि की उम्र भी बहुत ज्यादा है, ऊपर से ये तपस्वी वनों में भटकने वाले ऋषि महात्मा कहाँ मेरी बेटी राजकुमारी इस वनवासी के साथ कैसे रहेगी। ऊपर से वो उनके स्वभाव से भी परिचित थे, क्रोध से भी परिचित थे। उन्हें लगा कि ऋषि का स्वभाव थोड़ा सा रूखा था, उसमें कोमलता की मात्रा बहुत कम थी। लेकिन वो उनके श्राप से भयातुर भी थे। फिर अचानक से लोपा मुद्रा को ये सब पता चला। अपने माता पिता को ऐसी स्थिति में देखकर बेटी को दया आ गई और उसे भय भी लगा। उसने कहा कहीं ऐसा ना हो कि मेरे कारण मेरे पिता को हानि भुगतनी पड़े, कोई दंड ना मिल जाए, कहीं महात्मा नाराज ना हो जाए। वो स्वयं ही विवाह के लिए प्रस्तुत हो गई, क्योंकि लोपा मुद्रा राजकन्या थी, राजकुमारी थी और उन्हें भली प्रकार से पूरे शास्त्रों में, वेदों में उनको अध्ययन भी राजा ने करवाया था। फिर क्या हुआ, उनका विवाह हुआ। राजा ने अपनी बेटी को राजसी ठाट बाट के साथ विदा करने का की योजना बनाई। सुंदर वस्त्र, कीमती आभूषण, रथ, हाथी, घोड़े सब तैयार किए गए कि बेटी कैसे रहेगी वन में। जो उसने यहाँ जीवन जिया है वो अचानक से एक दिन में कैसे परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन मुनि को ये सब स्वीकार न था। उन्होंने कहा कि चूंकि लोपा मुद्रा अब आप राजकन्या नहीं है, अब आप राजकुमारी नहीं है, अब आप एक ऋषि की पत्नी है, अब आप एक ऋषिका है, वनवासी है, तो आपके इस कीमती आभूषण को, इस जो आपका संपत्ति आप अपने साथ लेके चलने को तैयार हैं, इसकी सुरक्षा मैं नहीं कर पाऊंगा। हमारी एक छोटी सी कुटिया है और उसमें अनायास ही एक समस्या उत्पन्न हो जाएगी, तो आपको ये सब कुछ यहीं अपने पिता के पास छोड़कर जाना होगा। राजकुमारी तैयार हो गई। उन्होंने कहा ठीक है, अब जिस लोपा मुद्रा के बारे में मैंने आपको बताया वो राजकुमारी थी। उस समय विदर्भ नरेश, विदर्भ बड़ा ही सुंदर और बहुत ही प्रतिष्ठित राज्य था। उन्होंने अपनी सारी वैभवशाली राजसी जो भोग थे उसको छोड़कर एक तपस्विनी के रूप में मृग चर्म पहनकर वो राजा के सामने आई। माता पिता को उनकी वैसी वेशभूषा देकर बड़ा दुख हुआ। लेकिन चूंकि उनके स्वयं की ऐसी संभावना थी, ऐसा उनका प्रस्ताव था, तो उन्हों वो कुछ कह भी ना सके। फिर चली आगे लोपा मुद्रा वन में। उनका जीवन पूरी तरीके से बदल गया। अब जब मुनि वापस आए, उन्होंने फिर पुनः वो अपने पठन पाठन, ध्यान और ईश्वर की आराधना में लीन हो गए। जब जब
उन्हीं आराधना में जाते, योग साधना में जाते, लोपा मुद्रा का जीवन एकाकी हो जाता। लेकिन उन्होंने उस एकांत का भली प्रकार प्रयोग किया। इस वक्त वो जंगलों में रहने वाले पशु पक्षियों के साथ समय बिताती और सेवारत रहती। उन्हीं की वनवासी बच्चों को, जो बाल वृद्ध थे, उनको अपना जो ज्ञान उनको अपने पिता के घर से लेकर आई थी, उसका वो उन्हें दान करती, क्योंकि वो एक महान और परम ज्ञानी, परम विद्वान अगस्त मुनि की पत्नी भी थी। तो उनके साहचर्य की वजह से उनके ज्ञान में निरंतर गुणवत्ता में परिवर्तन होने लगा। वो और भी ज्ञानी होने लगी। उन्होंने उसका वितरण किया, बच्चों को पढ़ाना लिखाना शुरू किया। खैर, लिखने की तो परंपरा तब नहीं थी, पर फिर भी जो वेदों की मंत्र उन्हें याद थी वो उन्हें तो सिखाती। एक दिन ऋषि जब वापस से अपनी योग साधना से वापस आए, और तब उन्होंने उन्हें फिर वही बात याद आई जिसके कारण उन्होंने लोपा मुद्रा का निर्माण किया था और विवाह किया था। उन्हें वो पूर्वज पुनः याद आए। उन्होंने कहा कि हमारा ये सारी घटना उन्होंने अपनी पत्नी को बताई। उन्होंने कहा कि हमारे जो वैवाहिक, जो गृहस्थ जीवन हमने शुरू किया था, उसका यही प्रयोजन था। हमें अपनी वंश बेल को आगे बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो हमारे पितृ ऋण से हम उऋण नहीं हो पाएंगे। लेकिन लोपा मुद्रा को जब उन्होंने देखा, लोपा मुद्रा ने कहा कि प्रभु, मैंने आपकी पूरी सेवा की है, पूरे पतिव्रत धर्म का पालन भी किया, और अब मेरी आपसे एक मांग है। चूंकि मैं पत्नी हूँ तो मैं आपसे कुछ भी मांग सकती हूँ। उन्होंने कहा, ठीक है, आप मांगिए, ऐसा क्या है जो मैंने आपको नहीं दे सकता। उन्होंने कहा कि ये जो कांटे हैं, ये जो जंगल की झाड़ियाँ हैं, झंकाड़ हैं, इससे मुझे बड़ा कष्ट होता है, और ये जो हमें जंगल में रहते हैं, हमारे पास सोने के लिए घास फूस है, इस पर सोते सोते मुझे नींद भी नहीं आती, मेरा समय अच्छे से पार नहीं हो पाता, मुझे बहुत कष्ट मिलता है। हमें अपने लिए एक अच्छा जीवन चाहिए, अर्थात हमें अच्छे वस्त्र चाहिए, हमें आभूषण भी चाहिए, और मुझे वो सुख चाहिए जो मैंने अपने पिता के घर में पाया था। जब तक कि आप मुझे ये सारे संसाधन लाकर नहीं देते, मैं आपकी बात नहीं मानूंगी, और हम अपने गृहस्थ आश्रम को आगे नहीं बढ़ाएंगे। उन्होंने ऐसा कहा। ऋषि बहुत ही परेशान हो गए। वाद विवाद चलता रहा, लेकिन वो उनसे जीत भी नहीं पाए। उन्होंने कहा कि मैं एक तपस्वी हूँ, वनवासी हूँ, ब्राह्मण हूँ, मैं कहाँ से इतना धन लाऊंगा, आप बताइए हम कहाँ से लाएंगे। उन्होंने कहा, आप तपस्वी हैं, आपके पास तप का बल है, आप चाहें तो अपने तपोबल के कारण तीनों लोकों की संपत्ति को अपने अधीन कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने, मुनि ने पत्नी को समझाया। उन्होंने कहा कि इस वस्तु के लिए, संपत्ति के लिए मैं अपने मंत्रों का प्रयोग करूंगा तो ये हमारे ज्ञान का हनन होगा, मर्यादा बाधित होगी, इससे ईश्वर कुपित हो सकते हैं, तो हम इतनी छोटी सी चीज के लिए अपने मंत्रों का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, हम आपके लिए आपकी इच्छा की पूर्ति करते हैं, हम उसका प्रबंध करेंगे। तो मुनि दर दर कई राजाओं के पास गए। उन्होंने कई आश्रम में वो जाते रहे, कई राजाओं से मिलते रहे, और उन्होंने उनसे कहा कि हे राजन, आपके जो भी अधिशेष हो, अर्थात जो आप कर लगाते हैं और जो आपकी प्रजा में धन खर्च होता है, जो आपके राजसी जीवन में जो धन खर्च होता है, जो वेतन आप देते हैं, उससे अगर कुछ बच गया हो तो वो भाग आप मुझे दान कीजिए। उन्होंने सारी घटना बताई और कहा कि मुझे भी एक अच्छा जीवन चाहिए, अपने लिए ना सही पर अपनी पत्नी को तो मुझे देना ही चाहिए, क्योंकि वो ऐसे परिवार से आई थी जहाँ ऐसा जीवन उन्होंने कभी देखा नहीं था, तो उन्हें बड़ा कष्ट मिलता है, इसके लिए मैं अपने मंत्रों का तो प्रयोग नहीं कर सकता। तो राजाओं ने उनकी मदद की, उन्होंने उनको धन का दान दिया। कहते हैं काशी नरेश ने बहुत धन का दान दिया। फिर लोपा मुद्रा का जीवन बदल गया। उन्होंने
उसको स्वीकार किया, उस अधिशेष को स्वीकार किया। अब ऐसा नहीं था कि उन्होंने राजा की तरह महल बनवा लिए अपने लिए, ऐसा कुछ नहीं किया। सिर्फ उन्होंने उतना ही धन लिया जिससे उनका जीवन, जो उनको कठिन लग रहा था, वो थोड़ा आसान हो जाए। बस उन्होंने उतना ही लिया। पर फिर भी कहते हैं कि लोपामुद्रा के पास बहुत धन था। एक बार उनके आश्रम में भगवान श्री राम, सीता और लक्ष्मण भी पधारे थे। उन्होंने राम को, भगवान ने सीता को तो नहीं, मतलब राम और लक्ष्मण पधारे थे उनके आश्रम में। उन्होंने मुनि ने भगवान श्री राम को तुरिन और धनुष दान में दिया था, जिसको कहते हैं कि उसका तरकस के जो तीर थे वो कभी समाप्त नहीं होते थे। और कहते हैं लोपामुद्रा के पास एक ऐसा अक्षय पात्र था जिससे कभी भी भोजन समाप्त नहीं होता था। वो एक तपस्वी हो गई। आगे चलकर उनकी वंश मेल भी आगे बढ़ी और मुनि जो उनको उन्होंने वादा किया था अपने पूर्वजों से, उसे भी पूरा किया। आगे चलकर लोपामुद्रा ने तमाम मंत्रों की रचना की, वैदिक मंत्रों की रचना की, उनका निर्माण किया, लोगों को सिखाया, इंद्र की तमाम रचनाएं की, उन्होंने देवी रति की प्रार्थना की, ऐसा उन्होंने रचा। और ये बताया समाज को कि हम गृहस्थ आश्रम में रहने के बाद भी समाज की सेवा कर सकते हैं। सिर्फ गृहस्थ जीवन में रहकर अपने लिए किया तो क्या किया, ऐसा मैं नहीं, लोपामुद्रा कहती है। लोपामुद्रा का कहना था कि अपने लिए तो सभी करते हैं, हम अपना भोजन बनाते हैं, हम अपने अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, अपने लिए कुछ बनाते हैं, उसे आगे वाली पीढ़ी को समर्पित करते हैं। इसके अलावा अगर हम सिर्फ यही करते रहे तो इतिहास हमें क्यों याद रखेगा, ऐसी सोच लोपामुद्रा की थी। उन्होंने विद्या का दान दिया और विद्या का दान तो सबसे बड़ा दान होता है। और कहते हैं कि वो ऋषि के साथ साथ उन्हें इतना ज्ञान प्राप्त हो गया था कि वो एक तरीके से कर्मकांड में भी हिस्सा लेती थी, वो हवन करवाती थी, सारे मंत्र का उच्चारण करती थी। और जब जब मुनि ध्यान मग्न होते, वो अपने ज्ञान का अपने पूरे आश्रम के चारों तरफ उसका प्रसार करती। उन्होंने हिमालय में जाकर तपस्या की पति के साथ, और हरिद्वार में भी जाकर उन्होंने तपस्या की। जहाँ जहाँ मुनि गए उन्होंने उनका पूरा साथ दिया। कहते हैं कि लोपामुद्रा के कारण अगस्त मुनि के स्वभाव में पर्याप्त परिवर्तन हो गया था, वो सौम्य हो गए थे, जो उनका रूखापन था वो भी दूर हो गया था। और तो इसका मतलब कि गृहस्थ जीवन में रहकर कैसे अपने जीवन को संतुलित किया जाए, कैसे अपने ज्ञान का प्रयोग किया जाए कि हमारा गृहस्थ आश्रम भी चलता रहे और हमने उसमें ईश्वर को भी प्राप्त कर लिया। अर्थात योगी, ध्यानी और भोगी, ये सब का समन्वय थी लोपामुद्रा। उन्होंने गृहस्थ में कहा कि त्याग करने की इतनी आवश्यकता नहीं है कि हम सब कुछ त्याग कर दें, हम ऐसा जीवन अपना बना लें कि एक समय के बाद हमें लगने लगे कि हम कष्ट पा रहे हैं। जरूरी नहीं है कि हर किसी की परिस्थितियां एक जैसी हों। आज आप देखिए कि आज कितने लोगों को ये उपलब्धि प्राप्त होती है। अगर आज भी हमारे परिवारों के, हमारे देश के, हमारे जो जितने भी परिवार के जो पुरुष हैं, अगर वो अपनी पत्नियों का साथ दें तो हर स्त्री लोपामुद्रा बन सकती है। तो लोपामुद्रा अकेले नहीं बनी, उनके पति के सहयोग से वो विदुषी महिला बनी और उनके सहयोग से अगस्त ऋषि सप्तऋषियों में एक तरीके से अलंकृत हुए। उन्हें सप्तऋषि के में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने का मौका मिला। तो बिना वैदिक काल का जब भी नाम हो और लोपामुद्रा का नाम ना आए, ऐसा नहीं होता। उनके जीवन से ये हमें मिलता है कि शिक्षा कितनी बड़ी चीज है, कैसे महिलाओं को शिक्षित करना चाहिए जिससे कि वो अब इस, मैंने कहा ना आपसे कि वो प्रकृति है, वो नेचर है, उनको ये चीज़ें प्राप्त हैं। एक आप इसे प्रकृति का वरदान भी कह सकते हैं कि महिलाओं के हाथ में जो भी चीज़ आती है वो उसका विस्तार करती हैं। अगर धन आता है तो वो धन को बढ़ाती हैं, ज्ञान आता है तो ज्ञान को बढ़ाती हैं, हर चीज़ को बढ़ाती हैं। अपवाद तो हर जगह है,
हम अपवादों की बात नहीं कर रहे हैं, पर बात है कि वो ऐसी शक्ति है जो कि अपने लिए हमेशा नहीं जीती। एक महिला है जो कि इतना त्याग कोई और कर ही नहीं सकता। अब आप ही बताइए कि एक लोपामुद्रा की ही बात करते हैं कि राजसी, एक तरीके का राजसी जीवन उन्होंने त्याग किया, पति के लिए सब छोड़कर आई। आज भी हम सब आते हैं, अपने अपने घरों को बच्चियां विवाह के बाद छोड़कर आती हैं। क्या उन्हें कष्ट नहीं होता? जो माता पिता ने उनका लालन पालन किया वो उन्हें छोड़कर किसी दूसरे घर में आ जाती हैं, उस घर को अपना बनाने का प्रयास करती हैं। फिर एक समय के बाद लगता है कि वो तो उस घर में कभी कभी यहाँ से गई ही नहीं थी, वो तो हमेशा हमेशा वहाँ थी, जबकि वो भी कभी नए रूप में वहाँ आती हैं। इतना बड़ा त्याग कोई कर सकता है, लेकिन ये त्याग किसके लिए है? महिलाओं ने किया और आज भी करती हैं, हमेशा करती रहती हैं। तो क्या उनका जो दुख है, जो क्या चीज़ें हैं, उसका कोई आधार नहीं? तो हमें लोपामुद्रा से ये सीखना चाहिए कि किस तरीके से लोपामुद्रा ने जीवन को जिया। एक सन्यासी, एक राजकन्या होने के बाद भी एक सन्यासी का जीवन जिया, सन्यासिनी हुई, ज्ञान का दान किया। तो इस तरीके से आपने देखा, सुना। हम आगे भी आपके लिए महिलाओं का चर्चा करते रहेंगे, आप नए नए लोगों के बारे में सुनते रहेंगे और अपने दृष्टिकोण को भी आप बदल कर देखिएगा। तो बात यहाँ पर अपने नज़रिए की नहीं है, महिलाओं के नज़रिए की है। कि फिर वही टैगलाइन कि सब अपना नज़रिया पास रखो, हम अपना नज़रिया रखते हैं। तो अब बारी है महिलाओं के नज़रिए की, दृष्टिकोण की, जो कि हमारी ये टैगलाइन है। और हमारा ये बिल्कुल भी मंशा नहीं है कि उनकी तुलना पुरुषों से की जाए। नहीं, आपको अपनी तुलना किसी से भी नहीं करनी है, आप तो स्वयं ही शक्ति का रूप हो, आपको अपनी तुलना किसी से करने की आवश्यकता नहीं है। बस अगर आप अपनी तुलना करना ही चाहती है तो अपनी ऐतिहासिक महिलाओं से कीजिए कि उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी कितनी बड़ी भूमिका निभाई। तो आज तो बड़ी सारी सुख सुविधाएं भी महिलाओं को दी गई हैं, अब तो उन्हें शिक्षा का अधिकार भी प्राप्त है। लेकिन हाँ, हमें उन पुरुषों को भी नहीं भूलना चाहिए जिसके कारण महिलाओं को इतनी आज़ादी मिली। तो बात करेंगे जब हम अपने आने वाले समय पे, जब आने वाले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे, तो हम भी जानेंगे कि ऐसे कौन से पुरुष थे जिन्होंने उनका साथ दिया। तो अब आप स्त्री को सिर्फ एक माँ, एक बेटी, एक पत्नी के नज़रिए से थोड़ा दूर हटाकर उसे सिर्फ एक महिला के रूप में देखिए कि वो कुछ भी है, स्त्री है, हर रूप में वो स्त्री है, हर रूप में माँ है। उसके अंदर ममता का स्वाभाविक गुण है जो कि उन्हें प्रकृति ने दे रखा है, बुद्धि है, दिमाग है, जिसके तमाम उदाहरण हमारे सामने हैं, वो नीति का निर्माण भी कर सकती हैं। तो चलिए, अब समय आ गया है कि घर की रसोई से लेकर संसद की गद्दी तक ये सारी चीज़ें महिलाओं को समर्पित हो गई हैं। समय आ गया है परिवर्तन का, समय आ गया है अपने नज़रिए को बदलने का। तो हमारा ये आज का जो बातचीत थी, लोपामुद्रा की कहानी, वो हमने सुनी। आप अपने हिसाब से उस पर स्वयं आप अपना चर्चा कर लीजिएगा कि आपको उससे क्या सीखने को मिला, क्या नहीं सीखने को मिला। उस स्त्री ने, उस वैदिक कालीन स्त्री ने ये बताया कि कैसे गृहस्थ जीवन में रहकर भी हम समाज कल्याण का कार्य कर सकते हैं और अपने ज्ञान का दान कर सकते हैं। जो भी हमारे पास है, हम जिस भी योग्य हैं, उसको छिपाने की ज़रूरत नहीं है। आज भी महिलाएं बहुत पढ़ी लिखी होती हैं, लेकिन वो भूल जाती हैं कि उनके माँ बाप ने उन्हें किस लिए पढ़ाया था। उतनी शिक्षा उन्हें भी प्राप्त है, लेकिन किसी को नौकरी मिलती है, हम उसकी तुलना नौकरी से करने लग जाते हैं कि अगर हम नौकरी में नहीं हैं या हमें नहीं मिली तो हम ज्ञानी नहीं हैं। जो आपने सीखा, आप उसका दान करें। ये मैं नहीं, लोपामुद्रा कहती हैं। लोपामुद्रा ने अपनी पूरी स्थिति को, आप उनकी कहानी का सिर्फ मैंने माध्यम बन के आपको समझाया, सुनाया। ये कोई क्लास नहीं है, यहाँ पर सिर्फ चर्चा महिलाओं की हो रही है, तो ये मंच महिलाओं को समर्पित है। तो फिर चलते हैं इसी टैगलाइन के साथ कि हम अब सभी अपना नज़रिया अपने पास रखो, हम अपना नज़रिया रखते हैं। तो मैं आपको लोपामुद्रा की कुछ तस्वीरों के साथ छोड़ कर जाती हूँ, आप उन्हें देखते रहिए और समझते रहिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
कोई दीवार नहीं है, सोच से ज्यादा हथियारों में और बड़ा हथियार नहीं है। हंसना भी साथ में आता है और मिलकर रोना होता है, मंजिल तक सोच के आए हो ले जो होना होता है, एक सोच पे है संभाल भी सकते हैं। सब अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। सब अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। अपने नजरिए पास रखो।